हेलो एवरीवन, वेलकम टू फेरी कुकिंग डायरी। सर्दियों के मौसम में मीठे गाजर मार्केट में आ जाते हैं तो हर घर में हलवा बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो आप इस मुंह में गुंजाने वाले और टेस्टी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक बर्तन में 2 टेबल स्पून घी ऐड कर लिए हैं। यहाँ पर हमने 1/2 किलो खिसा हुआ गाजर ले लिया है। इसे जो है हम 8 से 10 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे से, ताकि ये थोड़ा जो है सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर हम गाजर सॉफ्ट होने के बाद 2 कप मलाई वाले दूध ऐड कर लेंगे। अब हम इसे जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढककर जो है 15 मिनट के लिए पकने दे देंगे लो फ्लेम पे। गाजर सॉफ्ट हो चुका है और दूध जो है अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसमें अब हम इसमें 1/2 कप चीनी ऐड कर लेंगे। 1/2 टीस्पून हम इलायची का पाउडर ऐड कर लेंगे। सारे चीज़ों को जो है मिक्स कर लेना है। अब हम इसे कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। A few moments later, इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है काजू, बादाम और किशमिश। ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम जो है हम ऑफ कर देंगे। हमारा गाजर का हलवा जो है तैयार हो चुका है। भाई मजा आया।